द फ्लैश का सेकंड ट्रेलर सच में बहुत कमाल का था एंड आज के इस वीडियो में हम इसके छोटे मोटे ईस्टर एग्स एंड बाकी डिटेल्स को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे एंड आपको बताएंगे। तो हाँ, वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है क्योंकि छोटी से छोटी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है एंड मूवी किस तरह से हो सकती है वो बात भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले सीन से। तो मूवी की शुरुआत स्टेनली वेन मैनर से ही होती है बट ये हमें एकदम डिफरेंट लुक दे रही है बर्टन बैटमैन मूवी से। अब यहाँ पे एक चीज़ इंडिकेट करती है कि शायद अपने बैटमैन वापस आ रहा है एंड ये उसी चीज़ को इंडिकेट कर रही है क्योंकि ये माइकल केटन का बैटमैन है। लाइट वगैरह थोड़ी बहुत डिफरेंट है बट ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। फिर इस मूवी का अगला सीन की नो मैटर विच बैटमैन, मतलब कि माइकल केटन की भी बैटमैन की स्टोरी एकदम सेम है कि किस तरह उसने अपने माँ बाप को खो दिया एंड उन्हीं के गम में वो कंटिन्यूसली फाइट करता रहता है एंड अपने इस यूनिवर्स के बैटमैन की स्टोरी भी ऑलमोस्ट सेम थी, जो बात इंडिकेट करती है कि बैटमैन हर यूनिवर्स में एक ही है। एंड इसीलिए अगर आप ध्यान दोगे तो इस पूरे ट्रेलर में एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि ये पूरा ट्रेलर माइकल केटन के आसपास ही घूमा है, यानी मेनली माइकल केटन के ऊपर इस पूरे ट्रेलर में फोकस किया गया है। एंड फिर इस मूवी का थर्ड सीन कि बैरी के ओरिजिन को स्किप नहीं किया जाएगा क्योंकि हमने देखा कि बैरी के मॉम डैड इस ट्रेलर में हैं एंड हमें पता है कि बैरी की मॉम की डेथ किस तरह हुई थी एंड फिर उसके बाद उसके डैड को गलत तरीके से जेल में डाला गया था, इसलिए वो मीना बाबा आपके शुरू से ही रह रहा है एंड पता है आपको इसके डेथ के विषय कौन है, रिवर्स फ्लैश। एंड फिर इस मूवी का नेक्स्ट सीन जहाँ पे जनरल जोर्ड वापस आ जाता है जो कि ऑलरेडी पिछले ट्रेलर में हमने देख लिया है, तो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है क्योंकि हमें पता है कि किस तरह फ्लैश अपने मल्टीपल यूनिवर्सिस में ट्रैवल कर रहा है जिसकी वजह से टाइमलाइंस बिगड़ रही है एंड सब कुछ चेंज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे जनरल जोर्ड आ जाता है। एंड इसके बाद अपना नेक्स्ट सीन है अ मेकशिफ्ट मिस्ट्री हीरो, मतलब इस सीन में जब जनरल जोर्ड अटैक कर रहा है तो हम एक बच्चे को देख रहे हैं जो कि जनरल जोर्ड की ओर ही बढ़ रहा है। अब इस बच्चे के पीछे हमें ऐसा लग रहा है कि फ्लैश कर रहा है, अब मुझे नहीं पता कि ये फ्लैश की है या कोई और बट ये फ्लैश की तरह लग रहा है। बट यहाँ पे शायद डीसी वाले कैमियो देने में एक्सपर्ट है तो हो सकता है किसी ना किसी का कैमियो हो क्योंकि अगर आपने फ्लैश पॉइंट कॉमिक पढ़ी होगी तो उसमें भी इतने ज़्यादा कैमियो है कि आप बात ही नहीं कर सकते, इसीलिए ये वाला जो बंदा है आई थिंक ये किसी चीज़ का या किसी नए सुपर हीरो को इंडिकेट कर रहा है एंड कैमियो दे रहा है बट ओवरऑल हमें नहीं पता है कि यार ये बंदा कौन हो सकता है। एंड फिर अपने नेक्स्ट सीन में सुपर गर्ल के सिंबल के ऊपर बात आ जाती है जहां पे फ्लैश बोलता है इसका मतलब होप है ना, लेकिन सुपर गर्ल कुछ टाइम के लिए शांत हो जाती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि होप तो है बट तब भी सुपर गर्ल ने कुछ ऐसा खोया जो कि नहीं खोना चाहिए था एंड यही बात इस चीज को इंडिकेट करती है। और एक और बात है जो कि ट्रेलर में आगे दिखाई है तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। एंड फिर इसके बाद एक और सीन है जहां पे हम माइकल केटन के बैटमैन सूट्स को देख रहे हैं जो कि एक नहीं बल्कि बहुत से सूट्स हैं एंड हर सूट अलग चीज को इंडिकेट कर रहा है। बट यहां पे और भी बहुत सी चीजें नोटिस करने वाली है कि जो पहले की बैटमैन मूवी थी वहां पे कभी झरना नहीं था तो कभी कुछ नहीं था बट तब भी बैट केव के अंदर बहुत सी नई चीजें आई हैं। हालांकि बैटमैन की कुर्सी एंड उसके ये सब डिजाइन सेम रहे हैं बट ये चीजें क्या चीज इंडिकेट कर रही है, ऑब्वियसली मल्टीवर्स। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ये पूरी मूवी मल्टीवर्स के इर्द गिर्द घूमने वाली है एंड हमें पता चलने वाला है कि फ्लैश किस तरह ट्रैवल कर रहा है जिससे मल्टीपल टाइमलाइंस बिगड़ रही हैं, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि अलग अलग यूनिवर्स की चीजें मिक्स्ड अप होकर यहाँ पे आ गई हैं और इसीलिए एक यूनिवर्स से झरना, एक यूनिवर्स से बैटमैन एंड एक यूनिवर्स से पता नहीं क्या क्या एंड इसी तरह ये मूवी मल्टीवर्सेस को मिक्सअप करके अलग अलग यूनिवर्सेस को एक यूनिवर्स में सेपरेट कर रही है। फिर इसके बाद हम बर्टन बैटविंग को नोटिस कर सकते हैं जो बात इंडिकेट कर रही है कि माइकल केटन इज बैक बेबी। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन इस ट्रेलर को लेके आया है कि क्या ये सेकंड फ्लैश रिवर्स फ्लैश हो सकता है। अब देखो हमें पता है कि रिवर्स फ्लैश को एक मूवी में सेटअप करना टफ है लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि डीसी वाले या किसी भी सुपर हीरो फ्रेंचाइजेस वाले ऐसा कर देते हैं। ऐसा होता है कि लास्ट में वही विलन निकलता है जो शुरू में एक बंदे के साथ है, तो हो सकता है कि ये जो सेकंड फेरी है ये रिवर्स फ्लैश हो। एंड हमें पता है कि रिवर्स फ्लैश कितना हरामी टाइप का बंदा है जिसने फ्लैश पॉइंट में क्या क्या कांड किया है एंड ऊपर से इसने इसके माँ बाप को भी मारा है, तो हो सकता है कि ये सेकेंडरी रिवर्स फ्लैश हो बट इसके चांसेस कम ही हैं क्योंकि ये पूरे ट्रेलर में इसके साथ ही दिखा है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। बट हाँ, थोड़े चांसेस बन सकते हैं क्योंकि ट्विस्ट ये मार्वल या डीसी की मूवी में ना हो तो किस मूवी में होगा। फिर इसके नेक्स्ट सीन में जब ये जनरल जोर्ड से फाइट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अपने तीन सुपर हीरोज को देख सकते हैं जहाँ पे अपने दो फ्लैश है एंड सुपर गर्ल है। यहाँ पे जो चीज नोटिस करने वाली है सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे सूट का डिफरेंस है, मतलब जो अपना वाला बैरी है उसका सूट एकदम कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है येलो लाइटनिंग के साथ एंड रेड फ्लैश के साथ, लेकिन जो दूसरा फ्लैश का सूट है उसमें रेड कलर तो होगा लेकिन वो बहुत हैवीली लग रहा है एंड ये चीज इंडिकेट कर रही है कि शायद इसके पास सूट नहीं है जो कि हमने पिछले ट्रेलर में भी देखा था, तो इसीलिए इसने माइकल केटन को बोला होगा सूट बनाने के लिए क्योंकि ये सूट का डिजाइन सीधी तरह इंडिकेट कर रहा है कि ये माइकल केटन का ही है, माइकल केटन ही ऐसे सूट बनाता है, जो बात आपको पता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो अपने यूनिवर्स का फ्लैश है वो एकदम कॉमिक एक्यूरेट फ्लैश लुक में हमें दिखेगा एंड जो दूसरा फ्लैश उसका सूट माइकल केटन बनाएगा।
एंड इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड बात नोटिस करने वाली है वो ये है कि जो मेन फ्लैश है उसकी लाइटनिंग का कलर रेड है लेकिन दूसरे वाले का ब्लू। अब ये बात आपने भी नोटिस कर ली होगी तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। एंड फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सीन की बात करते हैं तो अगर हम 150 में इस ट्रेलर को देखेंगे तो वहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे कि सुपर गर्ल ने किसी शर्टलेस मैन को उठाया है। तो क्या ये हेनरी केविल का सुपरमैन हो सकता है? देखो शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, बट क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हेनरी केविल के लिए एक और छोटा सा कैमियो ब्लैक एडम मूवी की तरह? मतलब हो सकता है कि इसने अपने कजन को बाहों में उठाया हो एंड जो अपना होप वाली बात पहले की हुई, मतलब जब फ्लैश ने इसे ये पूछा था कि सिंबल का मतलब अभी भी होप है, तो तभी उसका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ क्योंकि उसके बाहों में उसके कजन की डेथ हुई है। क्योंकि अगर हम फ्लैश पॉइंट कॉमिक की बात करते हैं तो उस कॉमिक में भी फ्लैश एंड बैटमैन ने फ्रेल हालत में ही सुपरमैन को कैप्चर किया था एंड रेस्क्यू किया था। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो रहा हो एंड यहाँ पे सुपर गर्ल वो काम कर रही हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम फैंस बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है एंड ये सिंपल एक अपना बैरी ही हो एंड ये किसी स्टॉर्म एंड थंडर में स्टक हो गया हो एंड इसने सुपर गर्ल की हेल्प ले ही हो वहां से बाहर निकलने के लिए। तो हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर हेनरी केविल की कैमियो की बात करें तो, वो तो हम सब देखना ही चाहते हैं, बट हो तो कुछ भी सकता है यार। फिर अगर हम नेक्स्ट सीन की बात करें तो हम इस मोमेंट में फ्लैश को बहुत ही ब्रूटल हालत में देख सकते हैं, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये शुरू से जो चाहते थे वो फ्लैश ने कर दिया है, यानी सब कुछ ठीक करने की कोशिश जो कि नियरली बहुत इम्पॉसिबल था, जिससे जान पे खतरा आ गया बंदे के। अब जो इस मूवी का जो नेक्स्ट सीन है वो लिटरली गूज़बम्प्स मोमेंट्स आपको दे सकता है, क्योंकि अगर आपने फ्लैश पॉइंट कॉमिक पढ़ी होगी तो। क्योंकि अगर हम इस ट्रेलर को इस पॉइंट पे देखते हैं तो इस पॉइंट पे बैरी पूरा बर्न्ड हालत में है एंड यहाँ पे लेटा हुआ है एंड ये चीज भी फ्लैश पॉइंट से शायद उठा सकते हैं ये लोग, क्योंकि सेम ऐसा ही एक्सपेरिमेंट ब्रूस वेन ने फ्लैश के ऊपर किया था फ्लैश पॉइंट कॉमिक में। क्योंकि अगर मैं फ्लैश पॉइंट के इस सीन को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, तो फ्लैश जो कि अपने यूनिवर्स का एक बार वो अपनी आंखें खोलता है एंड अपने आप को एक अलग यूनिवर्स में पाता है जहां पे उसकी माँ भी जिंदा होती है, बट फैक्ट ये होता था कि इस यूनिवर्स में वो फ्लैश नहीं बना है, यानी उसकी माँ जिंदा है तो फ्लैश बनने की जरूरत क्या है। लेकिन इसके बाद फ्लैश को ये बात रियलाइज होती है कि ये वाली रियलिटी तो पिछले वाले से भी ज्यादा बुरी है, क्योंकि इसमें और भी बहुत से कांड फैले हुए हैं। इसीलिए वो फिर ब्रूस वेन यानी अपने बैटमैन के पास जाता है एंड उसे हेल्प मांगता है कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे एंड उसको उसकी पावर वापस दे। तो फिर इसी मोमेंट में अपने बैटमैन एंड फ्लैश एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसमें ये फ्लैश के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक्स मारता है, जिसकी वजह से फ्लैश में शायद उसकी पावर्स वापस आए। ब्लू लाइटनिंग स्ट्राइक तभी हम इस सीन में नोटिस कर सकते हैं, जो कि फ्लैश के चेहरे के हर जगह है एंड इसकी पूरी बॉडी के रिवॉल्व है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसका पहला ट्रायल था कॉमिक्स में, मतलब जब इन्होंने पहली बार ट्राई किया था तो वो फेल हो गया था एंड फ्लैश बहुत ही बुरी हालत में था, पूरा जला हुआ, एंड ट्रेलर में भी हमने यही देखा। तो हो सकता है कि ट्रेलर में भी जब बैटमैन इसके ऊपर पहली बार एक्सपेरिमेंट दे, इसकी पावर पहली बार इसको देने की कोशिश करे, तो फ्लैश का ये हाल हो जाए। एंड यहाँ पे एक और बात है कि अगर हम इस ट्रेलर को 140 में देखते हैं तो वहां पे भी फ्लैश के आसपास लाइटनिंग है एंड यहाँ पे भी हम एक हाथ को नोटिस कर सकते हैं जो कि पूरी तरह जला हुआ है। एंड हाँ, इसमें बाल है तो ऑब्वियसली ये मेल का ही हाथ होगा एंड इसीलिए अगर हम 210 पे फिर से इस ट्रेलर को देखते हैं तो वहां पे भी बैरी के हाथ का कुछ ऐसा ही हाल है। इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जो कॉमिक में हुआ कि बैटमैन ने पहले फ्लैश को उसकी पावर दी लेकिन पहला ट्रायल फेल हो गया, वो यहाँ पे भी होगा। फ्लैश का ट्रायल फेल हो जाएगा, फिर उसके बाद फ्लैश पूरी तरह जल जाएगा, लेकिन फिर अगले ट्रायल में फिर से उसे लाइटनिंग स्ट्राइक देंगे उसकी बॉडी की चारों तरफ एंड उसको उसकी पावर वापस मिलेगी। तो इसीलिए अगर आप इस ट्रेलर को 210 पे देखोगे फिर 140 पे वापस आके देखोगे तो आपको एक चीज रियलाइज होगी कि ये फ्लैश पॉइंट की तरह लग रहा है। एंड फिर अगर हम इसके बाद लास्ट में बात करते हैं तो हम नोटिस कर सकते हैं कि किस तरह सुपर गर्ल जनरल जॉर्ड से फाइट कर रही है, किस तरह बैटमैन फ्लैश एंड बाकी लोगों को बुलेट से बचा रहा है खुद बुलेट्स खा के, एंड किस तरह अपना सेकंड फ्लैश अभी भी होप नहीं छोड़ रहा है कि हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब ये ट्रेलर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि लास्ट में हमने अपने सुपर हीरोज के लोगो देखने को मिले, जो शायद ये बात इंडिकेट कर रहे हैं कि इस मूवी में कौन कौन से सुपर हीरो हमें देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम इन लोगों के ऊपर रुक करते हैं, जो हमें सबसे पहला लोगो देखने को मिला वो एक्चुअली में लोगो था माइकल केटन के बैटमैन का, जो आपको भी शायद पता है कि माइकल केटन के बैटमैन का किस तरह का लोगो है। फिर इसके बाद ये लोगो कन्वर्ट होता है दूसरे बैटमैन लोगो में, जो लोगो एकदम लगता है बेन एफ्लेक के लोगो की तरह, क्योंकि बेन एफ्लेक भी इस मूवी में होने वाला है। फिर जब ये लोगो तीसरी बार कन्वर्ट होता है तो ये सुपर गर्ल के लोगो की तरह दिखता है, क्योंकि सुपर गर्ल मूवी में है, एंड चौथी बार द फ्लैश। एंड इसी तरह ये ट्रेलर खत्म होता है कि इसमें कौन कौन से सुपर हीरोज हमें देखने को मिलने वाले हैं। एंड हाँ, इससे पहले पिछले ट्रेलर में हमने ब्लैक फ्लैश को भी नोटिस किया था, तो देखते हैं उसका भी क्या रोल होता है। लेकिन ये तो कुछ ऐसे छोटी मोटी डिटेल्स थी जो कि शायद मैंने आपको बता दी हैं, एंड इसी तरह ये ट्रेलर खत्म होता है। हालांकि इसमें बहुत सी वो चीज़ें थी जो पुराने ट्रेलर में थी, इसलिए ज़्यादा डिटेल में घुसने की कोशिश नहीं की है। लेकिन अगर अब लास्ट में इस ट्रेलर या इस मूवी के ऊपर मैं बात करूं तो यार देखो, एक्साइटमेंट एकदम टॉप नॉच है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सुपर हीरो की बेस्ट मूवी होने वाली है इस साल, क्योंकि इस लेवल का कंटेंट हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है, पिछले साल भी कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ है। तो हाँ, डीसी जिस तरह वापसी कर रहा है एंड इस मूवी के साथ वो एकदम टॉप नॉच पे पहुंच जाएगा। यार देखो,
एंड बाकी आप अपने ट्रेलर रिव्यू हमें कमेंट में जरूर शेयर कर देना। एंड अगर आप भी इस मूवी के लिए मेरी तरह एक्साइटेड हो, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। एंड हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है मूवी इसी चीज़ के इर्द गिर्द या इसी चीज़ के रिवॉल्व करने वाली है कि फ्लैश डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइंस को चेंज कर रहा है, जिससे बहुत कुछ इधर उधर हो गया है एंड बहुत सी चीज़ें आपस में इंटरमिक्स हो गई है। तो हाँ, आई थिंक ऐसा ही कुछ होने वाला है। एंड फ्लैश कंटिन्यूसली उसे ठीक कर रहा है, विलन उसके सामने आ रहे हैं एंड बस यही। लेकिन हाँ, मेरे अकॉर्डिंग ये इस साल की सबसे बेस्ट सुपर हीरो मूवी हो सकती है, क्योंकि बहुत से फैंस इसे मान रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। हाँ, फेस कैम इसलिए किया क्योंकि ट्रेलर ब्रेकडाउन में फेस कैम भी करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।